फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल इब्लिक एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम लोग नेक्स्ट डे कौन सा क्लास, कौन सा टॉपिक, किस क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, ये आपको एक दिन पहले ही पता लग जाएगा। एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को। देन इसके बाद जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका नाम है iblib.com। अपने आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे, गूगल पे जाइए, क्रोम पे जाइए, ठीक है, ब्राउज़र आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करिए, वहाँ पे iblib टाइप करिए, ठीक है, iblib.com टाइप करिए, वहाँ पे आपके लिए लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे ही लिंक आपका ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देन आपको फ्री साइनअप करना है। फ्री साइनअप आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है, इसमें आपको किसी भी कोई भी रुपए या कोई भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एंड आप यहाँ पे फ्री साइनअप करिए, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में डेमो अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड, उसके थ्रू आप साइनअप करिए, उसके थ्रू आप लॉगिन करिए। चाहे आप फ्री साइनअप करने के बाद लॉगिन करिए, चाहे आप डेमो अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन पर जाना है, जहाँ पे आपके लिए क्लास और सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करिए, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, सिलेक्ट ईयर और सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी आप क्लास 9th में हैं, तो आप सिलेक्ट ईयर पर जाओ, क्लास 9th पे क्लिक कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है। उसके बाद आप फिजिक्स पे क्लिक कर दो, तो आपके सामने यहाँ पर 9th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे, जैसे कि बुक वगैरह भी ओपन होता है। एंड उसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप उसको पढ़िए, ठीक है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एंड जैसा कि हमने एक दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है, 9th में। आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपके सामने कंटेंट ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उस पर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, कंटेंट आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कंटेंट तो जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, साथ में मेरी क्लासेस को भी आप अटेंड करते रहिए, ठीक है, क्लासेस को अटेंड करते रहिए, ताकि आपका जो डे बाय डे टॉपिक है वो आपका प्रिपेयर होता जाए। एंड लास्ट एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर आपके सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर हो जाए, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। इससे पहले समझ लो पास्कल लॉ होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख कर बता दे रहा हूं। पास्कल लॉ होता क्या है,
ठीक है, डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन एंड ऑफ इनक्लोज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट ट्रांसमिटेड इक्वल एट द एंड ऑफ ट्रांसमिटेड इक्वल एट अदर एंड ऑफ लिक्विड इंक्लूडिंग कंटेनर, ठीक है, ग्रेविटी या निग्लेक्ट कर देना है आपको। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये कोई आपका ये कोई आपका बीकर है, ठीक है, ये कोई बीकर है आपका, या अगर कोई कंटेनर है आपका, ठीक है, कोई कंटेनर है, और अगर आप यहां पर दो होल कर दो, यहां पे ठीक है, ये कोई यू शेप का कंटेनर है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरी हुई है, मान लो ऐसे 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 लिक्विड भरी हुई है, तो करना क्या है आपको, करना है कि अगर आप एक पार्ट पे प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो प्रेशर ट्रांसमिट होते हुए दूसरे पार्ट पे नीचे की तरफ से, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन से आपको इक्वली प्रेशर उस पिस्टन पे लगेगा या उस एरिया पे लगेगा। मतलब अगर आप यहां से प्रेशर आप एग्जर्ट करोगे तो उतना ही प्रेशर दूसरे वाले एंड पर भी एग्जर्ट होगा, तो ये पास्कल लॉ कहता है। अब देखो पास्कल लॉ का यूज हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मशीन्स के बारे में पढ़े होगे, ठीक है, मशीन्स क्या होती हैं, मशीन्स जो हमारे डेली एक्टिविटीज यानी जो हमारे एफर्ट को कम कर दें, ठीक है, तो वहां पर जो मशीन्स होती हैं उनका हम यूज कैसे करते हैं, उनका हम थ्री तरीके से यूज करते हैं। पहला एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब देखो ये बातें मैं आपको क्यों बताऊं, पहले तो आप समझ लो पास्कल लॉ मैंने बता दिया। पास्कल लॉ क्या होते हैं, पास्कल लॉ सिंपल सा कि अगर आप एक एंड पे प्रेशर एग्जर्ट करते हो तो दूसरे एंड पे प्रेशर अपने आप उतने ही मैग्नीट्यूड का एग्जर्ट होगा, ठीक है, ये तो रूल हो गया। और इसमें मैंने आपको इमेज बना के भी दिखाया, इमेज आपका ये है, ये आपका यू शेप का कोई कंटेनर है, आपने एक एंड पे प्रेशर एग्जर्ट किया मतलब ऊपर से फोर्स लगाया तो दूसरे एंड पर भी क्या हो रहा है, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। देन हम इसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन हम कैसे देखेंगे, देखो मशीन, हम इसका एप्लीकेशन मशीन के फॉर्म में देखेंगे और मशीन में देखेंगे, और मशीन में भी क्या है, देखो थ्री टाइप के आपके मशीन वर्क करता है, पहला एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरा एज अ स्पीड गेन, ठीक है, स्पीड गेन, एंड तीसरा एज यूज्ड फॉर डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब देखो अगर मैं आपको सिंपली कुछ कुछ मशीन्स के एग्जांपल लूं, जैसे आपको याद आपने देखा होगा पुली, ठीक है, सिंपल सा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है, किसका एग्जांपल, मशीन्स का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो सिंपली जो आपने देखा होगा पुली, ठीक है, पुली कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, व्हील होती है, देन यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी स्प्रिंग्स होती हैं, एंड हम लोग इसकी किसी एक एंड से हम उसको पकड़ के दूसरे एंड पे जो आपका लोड वगैरह हो तो उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कराते हैं। जैसे मान लो कि अगर इधर कोई लोड है आपका, ठीक है, और कुछ ये बहुत हैवी लोड है तो हम इसको पुली के थ्रू ऊपर के डायरेक्शन में क्या करते हैं, लिफ्ट कराते हैं, समझ पा रहे हो उस चीज को, तो हम इसको एक एंड से खींचते हैं। ऐसे ही आपका एक मशीन और है जिसको लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं व्हील बैरो, ठीक है, ठीक है, या आप देख रहे हो कि व्हील बैरो ये, ठीक है, होता क्या है ये, सिंपली आपका कह सकते हो कि एक कंटेनर होता है जिसके एक साइड में व्हील लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप किसी बड़े से बॉक्स को रख के उसको आप सिंपली मूव कराते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप एफर्ट इसके हैंडल से लगाओगे तो यहाँ पे आपको एफर्ट क्या करना पड़ रहा है, कम लगाना पड़ रहा है, समझ पा रहे हो चीज को, एफर्ट आपको कम लगाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब कि हम पास्कल लॉ का यूज मशीन में देखेंगे एंड
जो मशीन में भी देखेंगे हम वहां पे, ठीक है, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो एफर्ट है, यहाँ पे जो आपका एफर्ट है, मतलब जो आप हैंडल से इसको पकड़ोगे तो जो एफर्ट लगाओगे वो एफर्ट लेस देन होगा किससे? लोड से। लोड क्या है? जो भी आपको बॉक्स को लिफ्ट कराना है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट या दूसरा जो आपका मशीन होती है, जो जिसको हम कहते हैं जैक कहते हैं, ठीक है, जैक, कार जैक। कार जैक का मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बना के दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये कार जैक आपका ऐसे होता है, ये हैंडल होती है, ठीक है, और यहाँ पे उसको ऊपर का प्लेट लगी होती है। तो जैसे ही आप इसको क्या करते हो, उसको आप थोड़ा सा पुश करते हो तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो भी आपका कार वगैरह होती है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। कार जैक का सिंपली हम यूज करते हैं कार वगैरह को लिफ्ट कराने के लिए। तो ऐसे ही जो मशीन होती है, इन्हीं टाइप की मशीन का यूज हम पास्कल लॉ के थ्रू करेंगे। एंड ये सारी मशीन जो मैंने, ये मशीन आपको बना के दिखाई, ये जो मशीन मैंने आपको बना के दिखाई, ये एज ए फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करता है। कैसे? फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करता है। क्योंकि क्योंकि आपको ऐसे मशीनों में कम फोर्स लगा के ज्यादा आपको उसका आउटपुट मिलता है, मतलब इनपुट आप कम लगाते हो और आपको आउटपुट क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये चीज समझ लिया कि कैसे हम पास्कल लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, मतलब किस तरीके से करेंगे, एंड उसका हम यूज मशीन के किस पार्ट के लिए करेंगे, किस उसके प्रॉपर्टी के लिए करेंगे। तो हम पास्कल लॉ का यूज एज ए मशीन के फोर्स मल्टीप्लायर के प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्कल लॉ का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या प्रिंसिपल देख लेते हैं, वर्क कैसे करता है, प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जो पास्कल लॉ का मैंने एग्जांपल किया था, ये कुछ वैसा एग्जांपल है, ठीक है। अब यहां पे देख रहे होगे कि दो ये यू शेप के, यू शेप पे एक बड़ा सा क्या है आपका, पाइप कर सकते हो या कंडक्टर, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, देखो यहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हो ना, पिस्टन का सिंपल सा मतलब होता है, जब आप जैसे आप पिचकारी देखा है, पिचकारी में जो आप हैंडल खींचते हो, या जो आपने टायर में हवा भरने वाला पंप देखा होगा, तो उस पंप में जो आप हैंडल को ऊपर नीचे करते हो, तो उसी हैंडल के लास्ट एंड पे रबड़ का एक ऑब्जेक्ट लगा होता है, जो कि वो पूरे के पूरे, मतलब उस कंटेनर के पूरे उतने एरिया को कवर किया होता है, मतलब उसके आगे पीछे से एयर वगैरह पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो वही पिस्टन होता है, और ये मान लो कि आपका ये एक पिस्टन है जिसका जो एरिया है वो क्या है, इसका एरिया A1 है, ठीक है, A1 हो गया इसका एरिया, और मान लो कि ये जो आपका इंड है, इसको मैंने पी इंड बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही इस पूरे यू शेप का जो ट्यूब है, इसका जो दूसरा इंड है, उसका जो दूसरा इंड है, उसमें भी मैंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन का जो एरिया है वो A2 है, समझ पा रहे हो उस चीज को, ठीक है। और इसको पी ना मान के इसको आप एम मान लो, ठीक है, इसको पी ना मान के इसको आप एम मान लो। ये एम हो गया आपका, और ये आपका क्यू हो गया, ठीक है, या एमएन कुछ भी ले लो आप, एंड इसका जो एरिया है A2 है, ठीक है। तो होगा क्या, आपने इस पूरे के पूरे यू शेप कंटेनर में लिक्विड भर दिया, आपने पूरा इसको लिक्विड से फिल कर दिया, ठीक है, पूरा लिक्विड से फिल कर दिया। तो होगा क्या, जैसे आप इसको, मतलब इस A1 वाले पिस्टन को, ठीक है, M वाले पार्ट के पिस्टन को आप अंदर की तरफ पुश करोगे, तो क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और उस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, P1 = ठीक है, F1/A1। ये F1/A1 क्या है, ये F1/A1 इस प्रेशर के थ्रू जनरेट होने वाला फोर्स है। भाई आप ऊपर से क्या लगा रहे हो, फोर्स ही तो लगा रहे हो एक तरीके से, जब आप फोर्स लगाओगे तभी जब प्रेशर जनरेट होगा, तो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, यानी प्रेशर जनरेट हुआ P1, और उसके थ्रू जो फोर्स जनरेट हुआ F1, और जितने एरिया में जनरेट हुआ वो है आपका A1, क्योंकि ये A1 पूरे एरिया पे आपका प्रेशर जनरेट होगा। इसी तरीके से अब पास्कल लॉ कहता है कि जो भी प्रेशर यहां से जनरेट हुआ वो ट्रांसमिट होते हुए, ठीक है, यहां तक पहुंचेगा, और ये प्रेशर मान लो क्या है, P2 है,
ये प्रेशर इक्वल होगा किसके, पहले वाले जो भी प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है उस प्रेशर के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पी टू वाला जो प्रेशर है ये पिस्टन को ऊपर की तरफ क्या कराएगा, मूव कराएगा। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी समझ लो कि यहाँ पे अगर आप इस पिस्टन को ना रख के कोई हैवी लोड रख दो, आप कोई हैवी लोड रख दो, जैसे कोई मान लो बड़ा सा आप लोड रख दो, बॉक्स वगैरह रख दो, ठीक है। आपने मान लो यहाँ पे बॉक्स रख दिया, ठीक है, बॉक्स रख दिया आपने यहाँ पे, हैवी सा बॉक्स रख दिया। तो ये बॉक्स क्या होता है, ये बॉक्स आपका ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा। आपने यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर ट्रांसमिट होते हुए इस एरिया पे क्या होगा, वर्क करेगा, मतलब ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस जो लोड है इस लोड को ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगा। तो कहने का मतलब ये कि जो भी प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी एग्जर्ट हुआ। तो कहने का मतलब पी वन इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, पी टू की हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं, पी टू के थ्रू जो फोर्स जनरेट होगा वो एफ टू हो जाएगा और एरिया जो होगा वो ए टू है। मैंने पहले बताया था कि ये जो एरिया है वो ए टू है आपका। तो अगर हम इस चीज को पकड़े हैं, मतलब इस इक्वेशन को पकड़े हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ टू अपॉन एफ वन, ठीक है, इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन, ठीक है। और यहां पे आप ये देख पा रहे हो क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि देखो ये आप देख पा रहे हो कि जो एफ टू होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा किससे, एफ वन से, और जो ए टू होगा वो बड़ा होगा किससे, ए वन से, ठीक है। कहने का मतलब ए टू बड़ा है ए वन से, ठीक है। तो जो फोर्स है एफ टू वो भी बड़ा होगा किससे, वो भी बड़ा होगा एफ वन से, ठीक है। एक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये आपका ए टू है, ठीक है, ये आपका एफ टू है, तो एफ टू इज इक्वल टू क्या, आप ये मान लो आपका पी वन है, पी वन को आप क्या लिख सकते हो, एफ वन अपॉन ए वन मल्टीप्लाई बाय ए टू, ठीक है। तो ये एफ टू की वैल्यू एक्चुअली डिपेंड किस पर करेगी, इसी एरिया पर तो डिपेंड करेगी, ए टू पर तो डिपेंड करेगी। तो आपका ए टू बड़ा है इसलिए एफ टू भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपने जो एफर्ट लगाया, जो भी आपने एफर्ट ट्राई किया, जो भी आपने एफर्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया, वो एफर्ट कम है, ठीक है, यानी एफर्ट क्या है आपका कम है, किससे आपका कम है, ये जो आपका लोड है, ये जो आपका लोड है, ये जो आपका ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपको लिफ्ट कराना है, इससे आपका क्या है, कम है क्या एफर्ट। तो यहाँ पे ये जो आपका जो प्रिंसिपल हुआ इसका, वो ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर के तरीके से हम यूज कर रहे हैं, मतलब पास्कल लॉ का सिंपली हम यूज कैसे करेंगे इन मशीन्स में, यानी मशीन्स में हम ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर का तरह यूज करेंगे कि हमको कम एफर्ट लगाना पड़े जिससे जो आपका लोड है वो इजिली लिफ्ट कर जाए, मतलब हम कम फोर्स लगाए तो उसका जो रिस्पॉन्स मिले यानी आउटपुट मिले वो ज्यादा मिले। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को। तो आप देख लो पूरे सारे के सारे जो भी मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चंस वगैरह जो भी मैंने इमेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, यही है स्टूडेंट्स पास्कल लॉ, और यही इसका प्रिंसिपल है कि आप एक पॉइंट पे एफर्ट लगाते हो, ठीक है, जो भी आपका एफर्ट होगा, जैसे मान लो कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो भी आपका प्रेशर वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है, तो जो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा इस पिस्टन पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर, जो आपका दूसरे पिस्टन पे फोर्स जनरेट होगा लगभग वो 10 न्यूटन के आसपास होगा, मतलब 5 न्यूटन से वो बड़ा ही होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा होगा, वो 10, 12, 11 कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो F1 आपने अप्लाई किया वो ग्रेटर देन होगा किससे, लेस देन होगा किससे, F2 से, यानी जो भी फोर्स इस पे एग्जर्ट होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, क्योंकि एरिया बड़ा होगा और जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इस पर वो सेम होगा, मतलब सेम प्रेशर यहाँ पे यहां से यहाँ ट्रांसमिट होगा। समझ पा रहे हो उस चीज को। तो इस तरीके से ये पास्कल लॉ का प्रिंसिपल है, ठीक है, और इस प्रिंसिपल का यूज करके हम कुछ एप्लीकेशंस, कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का। अब देखो ये जो आपको मैंने बोला होगा प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले
सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल जो मैंने बताया आपको, ठीक है, वो कहाँ यूज होगा, ठीक है, मतलब जो जो पास्कल लॉ है आपका, पास्कल लॉ ये कहाँ यूज होगा, ये हाइड्रोलिक मशीन, जो मतलब हम जिन मशीन्स पे इनका यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। और ये भी आपके कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे पहला आपका हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, दूसरा आपका हो गया हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये इसी को हम लोग जैक कहते हैं, और तीसरा आपका हो गया, तीसरा वाला हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो हम पास्कल लॉ का जो एप्लीकेशन है वो हम थ्री डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे देखेंगे। पहला हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा, और तीसरा आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। इन तीनों तीनों मशीन पे हम पास्कल लॉ का यूज करेंगे। मैंने बता दिया कि पास्कल लॉ एक्चुअली में जो किसी भी पॉइंट पे अगर आप फोर्स एग्जर्ट करते हो किसी क्लोज इनक्लोज लिक्विड में, तो उसके हर एक पॉइंट पे इक्वली प्रेशर एग्जर्ट होगा। एक एंड पे लगाओगे दूसरे एंड पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, इक्वली प्रेशर एग्जर्ट होगा, एंड ऐसे ये फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपका फोर्स होता है वो एरिया से कनेक्टेड होता है, तो अगर एरिया बढ़ाया तो आपका फोर्स भी उस पर ज्यादा एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हुए थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले आप देख लो क्या हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन देखो, ये मैं आपको यहाँ पे ये देखो हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन में आपको मैंने तीन पार्ट बताया, तो ये प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन देखो यहाँ पे आपको मैं साफ साफ देखो यहाँ पर सारी चीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ये हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ है, ये प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ है, देख पा रहे हो इस चीज को। अब देखो यहाँ पे जो आपका फिगर है, जो आपका इमेज है, वो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि ये आपका देखो एक दो कंटेनर्स है बड़े बड़े, ठीक है, वो किसी पाइप यानी आर पाइप से क्या कनेक्टेड है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रेशर एग्जर्ट किया, ठीक है, कैसे प्रेशर एग्जर्ट किया, एफ वन फोर्स लगा के, एफ वन फोर्स लगाया कौन, ये वेट लग, ये वेट भी लगा सकता है, आप इसके अलावा अलग से आप लगा सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा जिससे ये प्रेशर पी वन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है। एरिया देखो पिस्टन का वो ए वन है, और ये जो प्रेशर है ये पूरा ट्रांसमिट होते हुए कहाँ आएगा, वो आएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है पी टू, ठीक है, जो प्रेशर है पी टू ये इक्वली इसके बराबर ही होगा, मतलब इक्वल अमाउंट का प्रेशर एग्जर्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो भी आपका लोड होगा वो लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन पिस्टन ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लिक्विड टू द पिस्टन बी विच इज इक्वल टू पी वन, ठीक है, मतलब P1 और P2 क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे P2 और P1 इक्वल होने के वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा P2 वाला वो ये हो जाएगा, और जो P1 वाला हो जाएगा वो मैंने आपको बताया कि P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 अपॉन A1, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों को क्या कर देना, दोनों को आप इक्वेट कर देना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एरिया A2 है वो क्या है, बड़ा है किससे, A1 से, ठीक है। यहाँ पे देखो A2 जो एरिया है आपका वो किससे बड़ा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसी से कंपेयर करूंगा ना, इसी दूसरे वाले पिस्टन से कंपेयर करूंगा, दूसरे वाले पार्ट से कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे जो एरिया A2 है वो बड़ा किससे है, A1 से बड़ा है। तो A1 से बड़े होने की वजह से जो फोर्स होगा आपका वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, F1 से, ठीक है। और जिस 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 क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट पे, जिस सिस्टम पे हम इसको यूज कर रहे हैं, पास्कल लॉ यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन। इसके बीच में आप कोई भी लिक्विड फिलअप कर सकते हो, लाइक वाटर या फिर कोई ऑयल वगैरह भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है, बस सेम लिक्विड होना चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज निग्लेक्ट कर रहे हो, वो है ग्रेविटी, ग्रेविटी आप निग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट खाली आप उसके वेट वगैरह के देख पा रहे हो, देख लो बाकी उसका और कोई इफेक्ट नहीं देख रहे हो, ठीक है, और किसी तरीके से उसका इफेक्ट आप नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हो। तो ये इतनी बातें मैंने जो आपको बताई ये पास्कल लॉ से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है वह हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है,
हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये आपके सामने जो फिगर आपका बना हुआ है ये पूरा हाइड्रोलिक प्रेस का फिगर है, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लो यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस का यूज हम किस लिए करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस का सिंपली हम लोग यूज करते हैं शुगर के शुगर केन जो होता है उससे आप जूस वगैरह निकालने के लिए, मतलब ऐसे जूस जूस वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। एंड सेकंड जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बेल ऑफ कॉटन, ठीक है, मतलब कॉटन के बेल को कंप्रेस करने के लिए। थर्ड जो इसका यूज होता है वो होता है एज ए स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प स्टैम्प बनाने के लिए। तो हम लोग स्टैम्प या जो हम लोग मोनोग्राम्स वगैरह बनाते हैं उस मोनोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए भी इस पूरे हाइड्रोलिक प्रेस का यूज होता है, ठीक है। तो ये थ्री चीजें मैंने बताई, थ्री एप्लीकेशन हो गए हाइड्रोलिक प्रेस के। अब ये हाइड्रोलिक प्रेस किस पे बेस्ड है, ये हाइड्रोलिक प्रेस बेस्ड है आपका पास्कल लॉ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते जल्दी से, देखो ये पूरा सिस्टम है, मैं आपको एक एक पार्ट का सिंपल से फंक्शन बता दे रहा हूँ कैसे ये यूज होगा, बाकी आपको सब कंटेंट में मिल जाएगा, ठीक है। कंटेंट में जो भी मैं बात बताऊंगा वो आपको कंटेंट में सब लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो वर्किंग है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे आप देख रहे हो कि ये देखो पूरा, ये पूरा आपके सामने हाइड्रोलिक प्रेस का डिजाइन है, इमेज है। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यही आपको पहले समझना है। इसमें आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर ये हैंडल है, ये लीवर है, ठीक है। देखो फल्क्रम का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां से कोई मशीन ऑपरेट होती है, मतलब जहां से वो रोटेट करती है, जहां से वो टर्न करती है, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई मशीन है और मैं यहां से इसको टर्न करा रहा हूँ इसके मिड पॉइंट से, तो ये बीच मिड पॉइंट जहां से वो मूव कर रहा है, जहां से वो टर्न कर रहा है, इसको फल्क्रम बोलते हैं, ठीक है। ये फल्क्रम भी अलग अलग पोजीशन पर होता है और उसके वजह से हम अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। तो ये अभी आपके लिए नहीं है, ये आपको आगे क्लास में पढ़ने को दिया जाएगा। तो अभी आप खाली सिर्फ इतना समझो कि ये आपका सिंपली सा हैंडल है, ठीक है, इस पूरे पार्ट का ये हैंडल है जहां से आपको फोर्स अप्लाई करना है, जहां से आपको प्रेस करना है, ठीक। अब देखो ये कनेक्टेड किससे है, ये कनेक्टेड है आपका किसी सिलेंडर से, सिलेंडर पी से कनेक्टेड है। और ये सिलेंडर पी में आपका एक पिस्टन ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से आपका ना कोई एक्स्ट्रा एयर अंदर जा सकती है, ना अंदर का एयर बाहर आ सकता है, या फिर अंदर का लिक्विड भी बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। मतलब पूरा टाइटली ये बाउंड है, उसके वॉल एरिंग कंटेनर से पूरा टाइटली ये बाउंड है, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, या सबसे पहले इसको जैसे आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में उठाओगे, ठीक है, पहले क्या करोगे इसको उठाओगे ऊपर की तरफ, इसको लिफ्ट कराओगे, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे जो ये रिजर्वायर है, देखो ये जो पिस्टन है, जो सिलेंडर पी है, ये सिलेंडर पी कनेक्टेड है एक रिजर्वायर से, ठीक है, जहां से इसको पानी जो भी लिक्विड है इसको यहां से मिलेगा। तो जैसे ही इसको आप ऊपर की तरफ उठाओगे हैंडल को, पिस्टन आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो ये प्रेशर है वो क्या होगा, जो अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। वॉल्व मतलब एक छोटा सा दरवाजा जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ है, वो ओपन हो जाएगा और सारा लिक्विड जो भी पानी है, ठीक है, यहाँ पर सारा मतलब जो भी जितना भी अमाउंट उसको चाहिए उतना ये अमाउंट का लिक्विड ऊपर की तरफ ये खींच लेगा, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इसको आप कंप्रेस करोगे, मतलब अब आप इसको प्रेस करोगे। एक बार आपने क्या किया, इसको पुल किया, देन उसके बाद आपने इसको प्रेस किया, यानी कंप्रेस किया, ठीक है, दबाया, फोर्स लगाया। जैसे आप इसका फोर्स लगाओगे हैंडल पर, ये लिक्विड, ठीक है, ये अंदर का लिक्विड फिर से दबेगा, मतलब डिक्रीज करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पिस्टन लोके नीचे आएगा। पिस्टन के नीचे आने के वजह से प्रेशर यहां का, ठीक है, यहां का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो ये वॉल्व है ये तुरंत क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये वॉल्व बंद होगा तो यहां से कोई लिक्विड को जाने का कोई इसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो लिक्विड कहां से जाएगा, इसके आर वाले पाइप से जाएगा। तो ये आप देख रहे हो ना, ये आर वाला पाइप है, ये आपका, यहां से ये आपका लिक्विड आगे की तरफ बढ़ेगा। और अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट में आपका जो दूसरा सिलेंडर है उसका नाम है क्यू, ठीक है। अब जैसे कि आप यहां से इसके पहले वाले पार्ट से आपने क्या किया, आपने इनपुट दिया, ठीक है, तो सारा का सारा आउटपुट आपको यहां से पता चलेगा, यहां से मिलेगा। अब देखो दूसरा जो आपको सिलेंडर है क्यू है, ठीक है, ये भी आपका लिक्विड से भरा हुआ है। पहले तो देखो ये लिक्विड है यहाँ पे, देन देखो ये पूरा आपका पिस्टन है पूरा ये, ठीक है,
अब इसका जो पिस्टन है, इसका जो एरिया है, जो हम जहां पे हमने क्या बोलते हैं ये कॉटन बेल रखा हुआ है, कॉटन का बहुत सारा गट्ठर रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉटन का गट्ठर जो रखा हुआ है उसका एरिया जो क्या है बहुत ज्यादा है, ये एरिया क्या ज्यादा है। दूसरी बात, ये वाला भी एरिया देखो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही आप यहां से पुश करोगे, अब लिक्विड यहाँ नीचे की तरफ रिजर्वायर में तो ट्रांसमिट होगा नहीं, क्योंकि ये जो वॉल्व है ये आपका ऑफ हो जाता है, क्लोज हो जाता है प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से। तो सारा प्रेशर आपका आर पाइप के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, कहने का मतलब यहां से ट्रांसमिट होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है वॉल्व, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पाइप का प्रेशर है यानी आर का जो प्रेशर है वो जैसे ही इंक्रीज करता है किससे, क्यू वाले प्रेशर से, मतलब इस सिलेंडर क्यू के प्रेशर से जैसे ही ये ज्यादा होता है, ये वॉल्व तुरंत ये प्रेशर अंदर से वॉल्व को ओपन कर देता है। मतलब यहां से अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व तुरंत ओपन हो जाएगा और वो प्रेशर अंदर की तरफ, मतलब सिलेंडर के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा और इस पिस्टन को वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करा देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो प्रेशर यहां पर एग्जर्ट हुआ वही प्रेशर यहां पर भी एग्जर्ट हुआ और उसी प्रेशर की वजह से ये जो सेकेंडरी पिस्टन है, जो सेकेंडरी पार्ट है, जो सेकेंडरी सिलेंडर है क्यू है, वो उसका पिस्टन ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है और जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट रखते हो, जो भी जैसे यहाँ पे आपका कॉटन बेल रखा हुआ है, यहाँ पर आप जैसे कोई फ्रूट वगैरह रख दो, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आप चीज रख दो वो कंप्रेस हो जाएगा, वो आपका क्या बोलते हैं, वो आपका स्क्वीज कर जाएगा, एज ए स्क्वीजर इसको यूज करते हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को, एज ए स्क्वीजर इसको यूज करते हैं इस मशीन को। तो यही इसकी वर्किंग है स्टूडेंट, ठीक है। और एंड जैसे ही आप यहाँ पे फिर इसको ऊपर की तरफ उठाते हो, फिर से सारा प्रेशर ट्रांसमिट होता है, मतलब जो भी प्रेशर बढ़ा तो वो फिर से ट्रांसमिट होता है, फिर से ये वॉल्व ओपन होता है, सारा का सारा लिक्विड देखो यहाँ से, सारा सारा लिक्विड यहाँ से फिर आपका फिर से रिजर्वायर में चला आता है। तो यही प्रोसेस बार बार हम लोग इसका यूज करते हैं, बार बार यही प्रोसेस करते हैं, जिससे ये एज ए स्क्वीजर, एज ए मोनोग्राम मेकर, एज ए क्या बोलते हैं, बेल ऑफ कॉटन कॉटन कंप्रेसर यूज करते हैं इसको, ठीक है। जल्दी से मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आप इसके लीवर को प्रेस करोगे तो पहले तो आप इसको ओपन करोगे, मतलब इसको आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे हैंडल को, तो जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इसका पिस्टन ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का वॉल्व ओपन हो जाएगा और ये जो लिक्विड रिजर्वायर में ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। देन जैसे आप इसको प्रेस करोगे, पिस्टन लिक्विड को प्रेस करेगा, देन यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो वॉल्व है आपका वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड सारा जो लिक्विड है या जो सारा प्रेशर है वो इस आर पाइप के थ्रू ट्रांसमिट होता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अब आपको पता है कि जो पाइप आर का जो प्रेशर है वो इस क्यू के प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि ये इंक्रीज प्रेशर है, तो तुरंत ये वॉल्व को नीचे से ओपन कर देगा और जिसके वजह से यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये आपका जो पार्ट है, जो ये पिस्टन है, ये ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको फिर से उठाओगे, प्रेशर डिक्रीज होगा और लिक्विड आपका इस वॉल्व V2 से होते हुए रिजर्वायर में फिर से पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, अब बात करते हैं किसकी, सॉरी हाइड्रोलिक प्रेस की, ठीक है। ये तो हो गया आपका हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की। हाइड्रोलिक ब्रेक देखो स्टूडेंट्स, देखो सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, पहले हाइड्रोलिक ब्रेक ही देख लो, ठीक है। ये देखो ये इसका जो सेकंड है, सेकंड पार्ट, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ का ये सेकंड एप्लीकेशन है। पहला फर्स्ट आपका हो गया हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, सेकंड आपका हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो ये कैसे वर्क करता है, पहले बात देखो, ब्रेक वर्ड से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ब्रेक वर्ड से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हम किसमें यूज करते हैं, ये हम व्हीकल वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी बड़ी बड़ी व्हीकल हो गए, लाइक कार हो गया, ठीक है, जो भी आपकी बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती है, तो उसमें हम इन सारे सिस्टम्स का यूज करते हैं। आजकल तो बाइक वगैरह में भी आपकी आ गई है, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट, इसका भी जो वर्किंग है बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल वर्किंग है, ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये भी पास्कल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, बेस्ड ऑन पास्कल प्रिंसिपल। देन उसके बाद ये जो आपको पूरा फिगर दिख रहा है, ये आपको पूरा ये जो
ए से लेकर बी तक, मतलब ये तो पूरा फिगर दिख रहा है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक का है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही आपका प्रिंसिपल यूज हो रहा है। अब देखो आपको करना क्या है, पहले बात तो देखो ये जो पार्ट है यहीं से आपका जो लिक्विड वगैरह फिलअप है, ठीक है, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? मास्टर सिलेंडर पे, ठीक है। और आप इसका एरिया देखो, इसका एरिया सिर्फ इतना है, मतलब जो पिस्टन है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये जो पिस्टन ए है ये सिर्फ इसका एरिया इतना ही है, ठीक है। तो मास्टर सिलेंडर से ये आपकी एक पाइप लाइन गई होती है, इसमें आपका लिक्विड भरा होता है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ये आपकी टायर के जो रिम होती है उससे कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो कि ये जो पार्ट है ये आपका टायर का रिम हो गया, ठीक है, जिसपे आपका ब्रेक वगैरह क्या होता है स्टिक करेगा, और ये ब्रेक हो गई है, दिख रहा है आपको। तो होगा क्या, जैसे ही आप जो आपको ये फूट पेडल है, जो कार में आपका ब्रेक होता है उसमें आपको प्रॉपर एक फूट पेडल लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप फूट पेडल को प्रेस करोगे, ठीक है, फूट पेडल को प्रेस करोगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगाएगा? पिस्टन पे लगाएगा, और पिस्टन आपका क्या होगा, वो अंदर की तरफ मूव करेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। फोर्स आपका नॉर्मली एकदम लगेगा, मतलब सिंपल सा फोर्स लगेगा, छोटे अमाउंट का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ जब मूव करेगा, अंदर की तरफ लिफ्ट करेगा, तो अपने साथ जो लिक्विड्स हैं, जो लिक्विड इसके पूरे पाइप में, ठीक है, पाइपलाइन में फिलअप है, फिल है, वो लिक्विड भी अंदर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, क्योंकि आपने एक तरीके से फोर्स अप्लाई किया, तो एक तरीके से प्रेशर एग्जर्ट किया, ठीक है, उस पर प्रेशर लगाया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऐसे आप बैलून को, जो बैलून हवा से भरा होता है, उसके किसी एक पार्ट को आप उसको स्क्वीज कर, उसको दबाते हो, प्रेस करते हो, तो क्या होता है, उसका दूसरा पार्ट भी थोड़ा सा फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वहां से प्रेशर इंक्रीज करके दूसरे पार्ट में पहुंच गया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपने फूल पेडल को प्रेस किया, तो यहाँ से पिस्टन अंदर की तरफ मूव किया, इससे जो आपका लिक्विड है वो भी क्या हुआ, वो भी अंदर की तरफ क्या बोलते हैं मूव किया, क्योंकि आपने इस पर प्रेशर एग्जर्ट किया। अब ये प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ, यानी लिक्विड जो एक्स्ट्रा अंदर की तरफ आया, वही प्रेशर को लेकर आया और ट्रांसमिट किया, उसने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करते करते कहां पर आ गया, इस दूसरे वाले सिलेंडर पे आ गया, मतलब यहां पर जो दूसरा सिलेंडर है उस पर आ गया, ठीक है। तो अब जैसे कि यहां पर प्रेशर जब आया, तो ये प्रेशर, ये भी देखो, ये भी एक पिस्टन हो गया, ये भी एक पिस्टन हो गया, तो इस प्रेशर ने इक्वली फोर्स लगाया किस पे, इस पिस्टन पे और इस पिस्टन पे, तो इस दोनों पिस्टन पे इक्वली फोर्स लगने की वजह से ये जो ब्रेक है आपकी, ये पिस्टन से कनेक्टेड है, तो ये जैसे ही आपका बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, तो वैसे ही आपकी ये जो ब्रेक है दोनों रिम पे क्या हो गए, स्टिक कर गए, चिपक गए। तो ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब सडनली प्रोसेस होता है, मतलब ये आपको मैं जितने देर में समझा रहा हूँ उतने देर में तो ना जाने कितनी बार ब्रेक लग जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फूट पेडल को प्रेस करोगे, तुरंत यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर यहाँ पे फ्यूल सिलेंडर पर पहुंचेगा और दोनों पिस्टन को वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देगा। मूव कराने की वजह से जो ये ब्रेक्स लगे हैं व्हील पर, वो तुरंत व्हील से क्या हो जाएंगे, फ्रेम पर वो तुरंत उससे स्टिक हो जाएंगे, और आपका जो व्हीकल है वो तुरंत वहां पर एट सडनली आपका वो रुक जाएगा। तो ये है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट। ये भी आपका किस पे बेस्ड है? ये भी आपका पास्कल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और अब देखो यहाँ पे आपने जो एफर्ट लगाया आपको भी थोड़ा सा इस चीज के बारे में नॉलेज ही होगा कि जो भी आप एफर्ट लगाओगे वो बहुत ही छोटे अमाउंट का होता है, बहुत ही कम अमाउंट का होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ताकत नहीं लगानी होती, लेकिन आपका जो एफर्ट होता है, वही एफर्ट देखो कितने बड़े लोड को, मतलब कितने बड़े जो व्हीकल होता है, जो व्हीकल का व्हील होता है कैसे उसको रोक देता है, ठीक है। अब इस व्हीकल को रोकने के लिए, इस व्हील को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो कम फोर्स लगाने पे आपका ज्यादा फोर्स क्या हो गया, जनरेट हो गया। यही आपका फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। यानी मशीन का हम जो फोर्स मल्टीप्लायर यूज करते हैं वो इसी तरीके से यूज करते हैं कि कम फोर्स लगाने पे ज्यादा फोर्स क्या हो, जनरेट हो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, वो सब आपको हमारे कंटेंट में ए टू जेड मिल जाएगा, ठीक है। सब आपको हमारे कंटेंट में ए टू जेड मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप उसको पढ़ोगे और मेरी क्लासेस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो आपका तीसरा वाला जो आपका एप्लीकेशन है वो है आपका ये, देखो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका नाम है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो हाइड्रोलिक का सिंपल सा मतलब होता है हाइड्रो, ठीक है, और हाइड्रो माने होता है लिक्विड। हाइड्रोलिक लिफ्ट
या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, एक जैक मैंने आपको बताया, एक जैक कैसा होता है, ये जैक देखो आपका, ये ऊपर प्लेट लगी होती है ऐसे, ठीक है, और यहां पे ऐसे ये आपका स्क्रू होता है, यहां पे पेच होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई कार वगैरह उठानी है, जैसे मान लो कि ये कोई कार है आपकी, ठीक है, ये कार है, ठीक है, तो करना क्या होता है, इसको आप घुमाओगे तो इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और ये जो कार है इसको ही ऊपर उठा देगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे छोटे 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 पार्ट्स को चेंज करने के लिए हम इस जैक का यूज करते हैं, लेकिन जैसे जो सर्विसिंग सेंटर होता है वहां पे हमें कार को पूरी तरीके से लिफ्ट कराना होता है, तो उस कार को अच्छे से लिफ्ट कराने के लिए, मतलब अच्छे से हाइट पे लिफ्ट कराने के लिए हम इस हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी हाइड्रोलिक जैक का यूज करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी आपका पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पर जो आपका पहले पार्ट समझने वाला है वो है ये वाला पार्ट, ठीक है, जहां से आपको फोर्स वगैरह इनपुट देना है। तो जैसे कि मैंने भी आपको हाइड्रोलिक प्रेस में बताया था कि आपका जो लीवर होता है उसको आपको प्रेस करना होता है। देखो यहाँ पे जैसे वहां पे आपके वॉल्व वगैरह का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वॉल्व वगैरह का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक वॉल्व है, ठीक है, इसी वॉल्व को आपको समझना है। अब जैसे ही आप इसको पहले प्रेस करोगे, आपने हैंडल से क्या किया, इसको प्रेस किया, प्रेस करने मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके वजह से ये लिक्विड को भी क्या करेगा, लिक्विड को भी कंप्रेस करेगा, और लिक्विड को कंप्रेस करने का मतलब वहां पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स हम अप्लाई करने का मतलब हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो प्रेशर यहां पर अप्लाई हो गया। अब यही प्रेशर ट्रांसमिट होता हुआ कहां जाएगा, इस वॉल्व के पास पहुंचेगा और तुरंत इसको ओपन कर देगा। ठीक है, क्योंकि इतने पार्ट का प्रेशर, अगर मैंने इसको P1 बोल दिया और इसको P2 बोल दिया, ठीक है, ये P1 हो गया आपका, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, तो P1 अभी क्या है आपका, बड़ा है किससे, P2 से, तो यहां पे आपका प्रेशर ज्यादा और यहां का प्रेशर कम, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से तुरंत क्या करेगा, इस बीच के वॉल को ओपन कर देगा, और जैसे इसने वॉल को ओपन कर दिया, प्रेशर आपका ट्रांसमिट होते हुए आएगा यहां पर, और यहां पे वो उतने ही अमाउंट का प्रेशर यहां पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब यहां का एरिया क्या है, यहां का एरिया ज्यादा है, प्रेशर तो आपको उतने अमाउंट का एग्जर्ट हुआ, लेकिन यहां का एरिया ज्यादा होने की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हुआ इस पे वो क्या हुआ, F2, और F2 ज्यादा फोर्स एग्जर्ट हुआ किससे, F1 से, मतलब आपने जो एफर्ट लगाया, जो भी आपने प्रेस किया वो कम था, वो एफर्ट आपका कम था, लेकिन जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ और प्रेशर की वजह से जो इस पे फोर्स लगा, उस F2 की वैल्यू क्या है, इस F1 से ज्यादा हो गई। तो यहां पर आपका जो भी आपको जिस हाइट तक आपको कार को लिफ्ट कराना होता है वहां तक आप हैंडल को प्रेस करते हो, उतने अमाउंट हैंडल आप प्रेस करते हो तो उतने ही हाइट तक आपका कार ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आप जहां तक इसको लिफ्ट कराना चाहो वहां तक आने के बाद आप उसको रोक दो, हैंडल को आपने प्रेस करना छोड़ दिया, तो ये आपकी कार वहां पर रुकी रहेगी। ठीक है, अब जैसा कि हाइड्रोलिक प्रेस में मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका जो लिक्विड है वो आपका ट्रांसमिट होकर चला जाएगा, ठीक है, फिर से रिजर्वायर में, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रेशर एक बार आपको यहाँ पे क्रिएट होगा तो बस आपको ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लिक्विड को वापस वहां तक पहुंचाने के लिए कोई भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी हाइड्रोलिक जैक, ये भी आपका पास्कल लॉ पर ही बेस्ड होता है, और जो भी मशीन हम पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे देख रहे हैं वो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर यूज होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझ लो, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ये होता क्या, पहले ये देख लो आप, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, MA, ये एक्चुअल में होता है लोड, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट। अब यहां पे आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे में समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो कि ये आपकी वैल्यू लोड की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, लोड की वैल्यू 2 है, और अगर आप डिनोमिनेटर में 2 से कोई कम वैल्यू लोगे, 2 से कोई कम वैल्यू लोगे, मान लो आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का मतलब क्या है, वो 1 से ग्रेटर देन ही होगा,
ठीक है, मतलब अगर आपका लोड का जो वैल्यू है वो एफर्ट के वैल्यू से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, वो ग्रेटर देन वन आएगा। ठीक है, मतलब लोड लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट देन मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो यहां पे ये सिर्फ कंडीशन है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है तो आपका जो भी डिवाइस है, जो भी मशीन है, वो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, वो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर यूज होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका किसका, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज के थ्रू। एंड तो ये जो भी मैंने आज आपको बातें बताई, वो मैंने बातें क्या बताई, मैंने बताई आपको प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे, उसके लिए आपको मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कंपटीशन वगैरह देखना है तो थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लगाइए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है इसमें कि हाइड्रोलिक मशीन सच एज हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन डैश ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि जो लिक्विड में हम यूज करते हैं मशीन में, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, जो भी मशीन वगैरह हम यूज करते हैं, पास्कल लॉ पे बेस्ड है कि चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है कि बॉयल्स लॉ पे, नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया कि ये जो भी बेस्ड होता है वो पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चंस से लेकर आपको हाई लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, सब आप करना। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब आपको कैसे क्वेश्चंस करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप कंटेंट पर आ गए। ठीक है, कंटेंट आपको ओपन कर लेना। ठीक है, कंटेंट ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में प्रैक्टिस टेस्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्लिक कर देना। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, 10-10 के सेट्स रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको सेट्स मिल जाएंगे, एक सेट में 10 क्वेश्चन रहेगा। इसको आप सॉल्व करना और आप अपने ज्ञान को, अपने इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। तो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है, एंड जैसा भी आपको क्लास के बारे में समझ में आया हो, अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें।